गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जूलॉजी प्रैक्टिकल में पिछले जो ई लेक्चर था उससे आगे बात करेंगे। अब तक हमने पिछले ई लेक्चर में एसिडियन के बारे में पढ़ा, अब हम उससे आगे चलते हैं अग्नेथा या साइक्लोस्टोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो साइक्लोस्टोम नेटा में जो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है वो है पेट्रोमाइजोन, जिसे लैम्प्री के नाम से जाना जाता है। पेट्रोमाइजोन की सिस्टमेटिक पोजिशन सबसे पहले देखें तो ये फाइलम कॉर्डेटा की है, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आती है, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई हो चुकी होती है। डिवीजन इसका एग्नेथा है, क्योंकि इसमें जॉज नहीं पाए जाते। ए मींस एब्सेंट, गनेथा यानी जॉज, यानी जॉज एब्सेंट होते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, क्योंकि इसका मुंह सर्कुलर होता है, राउंडेड होता है। ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्टिफॉर्मस है, क्योंकि ये लैम्प्री के समान संरचना वाले एनिमल होते हैं। इनका जीनस पेट्रोमाइजोन है, और इसकी स्पीसीज जो हम पढ़ेंगे वो मैरिनस, पेट्रोमाइजोन मैरिनस, जिसे कॉमनली लैम्प्रे के नाम से जाना जाता है। लैम्प्रे के सामान्य लक्षण इस प्रकार से हैं। इसका शरीर लंबा बेलनाकार ईल के समान होता है। समुद्री वयस्क लैम्प्रे जो है वो 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर की लंबाई तक हो जाती है। इसकी त्वचा चिकनी होती है, चिपचिपी लसलसी होती है, क्योंकि इसकी त्वचा के अंदर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जो म्यूकस का श्रावण करती है। ये इसके शरीर जो है वो शल्क रहित होता है, इसके ऊपर शल्क नहीं पाए जाते, मछलियों की तरह शल्क नहीं होते। लैम्प्रे का शरीर प्रमुखतः 3 भागों में विभक्त रहता है, आगे का सिर, बीच का धड़ और पीछे वाला संपीड़ित पूंछ होता है, पार्श्व संपीड़ित पूंछ का होता है। इसका मुंह गोलाकार होता है, कीपाकार होता है, इसीलिए इसको साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के अंदर रखा गया है। इसमें जो होंठ हैं, इसके जो लिप्स हैं वो फोल्डेड होते हैं, फोल्डेड लिप्स वाले एनिमल होते हैं। युग्मित फिन का अभाव होता है इनमें, यानी पेक्टोरल और पेल्विक फिन नहीं पाए जाते। इसमें अयुग्मित फिन पाए जाते हैं, जिसमें 2 तो डोर्सल होते हैं, फर्स्ट डोर्सल और सेकंड डोर्सल, और एक होता है कोडल फिन, जो इसकी सहायता से इसमें मूवमेंट होता है। इसके बाद अगर इसका बिहेवियर और इसका देखें तो ये समुद्र में तली में किस प्रकार से मूवमेंट करती है, समुद्र से जाकर के, और इसमें एनाड्रोमस माइग्रेशन पाया जाता है, यानी कि ये नदियों में जाती है। इसका मुंह देखें तो ये देखिए आप किस प्रकार से इसका मुंह गोलाकार है, और इसमें दांत जो है वो हॉर्नी टीथ हैं, जिसकी सहायता से चिपक जाती है। इसके 7 जोड़ी गिल्स हैं, जो नग्न या नेकेड हैं, जिनके ऊपर ओपरक्यूलम नहीं पाया जाता। ये मॉटल्ड ग्रीन इसका कलर होता है, सलेटी रंग का नीचे से और ऊपर से मॉटल्ड ग्रीन होता है। इसमें एक कॉडल फिन है, जिसकी सहायता से इसमें मूवमेंट हो रहा है। और ये नदियों में ऐसे स्थानों पर जाकर के अंडे देती हैं जहां पर उथला और शांत जल होता है। तो इस प्रकार से ये एक ऐसी मछली है, मछली तो क्या, मछली के जैसी प्राणी है, ट्रू मछली नहीं है ये, साइक्लोस्टोम्स आर नॉट ट्रू फिशेस, बट साइक्लोस्टोम्स आर द लैम्प्रे है, जिसमें एनाड्रोमस माइग्रेशन पाया जाता है, और इसमें यानी समुद्र से और नदियों की तरफ मूवमेंट होता है। इनमें एकल नासारंध्र होता है, जो मध्य पृष्ठ सतह पर होता है, मिड डोर्सल लाइन पर एक सिंगल नॉस्ट्रिल होता है। इनकी आंखों के पीछे की तरफ 7 नग्न यानी बिना ओपरक्यूलम वाले गिल्स पाए जाते हैं। धड़ और पूंछ के संधि स्थल पर अधर भाग में अवस्कर द्वार यानी क्लोइकल अपर्चर पाया जाता है, जिसमें मूत्र जनन और गुदा दोनों छिद्र आकर के खुलते हैं। इनके मुंह में जबड़े नहीं होते, इसीलिए ये अग्नेथा डिविजन के अंदर रखे जाते हैं, परंतु दांत पाए जाते हैं। दांत हॉर्नी टीथ होते हैं, एकदम नुकीले होते हैं, गोखरू की जैसे नुकीले होते हैं, और वो इसके मुख गुहा और जीभ के ऊपर पाए जाते हैं। दांत जीभ पर उपस्थित होना इनका एक लाक्षणिक गुण है, मुख गुहा के अंदर भी पाए जाते हैं। ये इसका चित्र है, जिसमें ये एक साइड लाइन डायग्राम बनाया गया है। ये 7 जोड़ी गिल्स हैं, इसका ये वेंट्रल की तरफ यानी नीचे की तरफ मुड़ा हुआ बक्कल फनल है, और ये एक सिंगल नॉस्ट्रल पाया जाता है, और ये आईज हैं, और ये पूरा इसका लंबा बेलनाकार ईल के समान बदन है, और इसमें एक फर्स्ट डोर्सल और एक सेकंड डोर्सल फिन है, और एक कॉडल फिन है, जिसकी सहायता से मूवमेंट होता है। इसमें वेंट्रल साइड में ये एक एनस और यूरिनोजेनिटल अपर्चर का एक अवस्कर द्वार है, और ये पूरा ट्रंक रीजन है, मॉटल्ड ग्रीन कलर की ये होती है। इसका डोर्सल भाग अगर एकदम जूम करके देखें तो इसमें जो नेजल अपर्चर है वो इस प्रकार से दिखाई देता है, और दोनों आंखों के मध्य में, बिल्कुल मध्य में ये नेजल अपर्चर होता है, मिड डोर्सल लाइन पर, और इसकी जो आंखें हैं वो साइड में ये बिल्कुल गोलाकार, लेकिन इसका माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में इस प्रकार से कीप के समान, फनल के समान होता है। इसके ऊपर झालर नुमा फोल्डेड लिप्स पाए जाते हैं। ये अगर
मछलियों के ऊपर चिपकती है, ये एक्टोपैरासाइट है, और उनका ब्लड और जो फ्लश है उसको चूस करके ये अपना पेट भरती है। अगर ये हाथ से, मनुष्य के हाथ से चिपक जाए तो इस प्रकार के घाव या स्कार बना देती है, और मछलियों के ऊपर भी इस प्रकार से इनके घाव या स्कार बना देती है। ये इसीलिए मछलियों के लिए बहुत ही डेंजरस होती है, मछलियों की पॉपुलेशन के लिए डेंजरस होती है। समुद्री लैम्प्री मांसाहारी रक्ताहारी होती है, जो बड़ी मछलियों के ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में आश्रित रहती है और उनका खून चूस लेती है, और उनके ब्लड और उसकी स्किन के टुकड़े और वो सारा का सारा चूस करके अपने पेट भर लेती है इसका, और फिर उसके बाद में लंबे समय तक आराम से रहती है। इसकी लार में लैम्फ्रिडिन नामक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है, इसकी वजह से जो इसका शिकार है उसका ब्लड नहीं जमता। ये जेनेटिक प्रवास करती है, यानी रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन पाया जाता है इसमें, अर्थात समुद्र को छोड़ करके और स्वच्छ जलीय आवास की तरफ प्रवास करती है। इसे सरिताभिगामी या एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। ये स्वच्छ जल के गहरे और धीमे पानी में जाकर के और पेबल्स के बीच में अंडे देती है, अंड जनन की क्रिया करती है। इनमें एक बार नर और मादा अंडे देने के बाद में बाह्य निषेचन होता है, और दोनों ही उस उन अंडों को छोड़ करके, लावारिस छोड़ करके और आगे चले जाते हैं, और वो कुछ दूरी पर जाकर के उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए उनको वो अपने जीवन में एक बार ही अंड जनन कर पाते हैं, उनकी मृत्यु उनसे दिया परभक्षी पक्षी उनको खा जाते हैं, और इस प्रकार से वो अपना जीवन का अंत कर लेते हैं। इनमें प्रत्यक्ष कायंत्रण पाया जाता है, अर्थात इनका कायंत्रण एक लार्वा के माध्यम से होता है। उस लार्वा का नाम है एमोसीट लार्वा। वो एमोसीट लार्वा लावारिस यानी अपने माता पिता के बिना, और वो उसमें अंडों में से बाहर निकलता है और फिर अपना इंडिपेंडेंट जीवन व्यतीत करता है। ब्रीडिंग की बात करें तो लैम्प्री अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करती है, क्योंकि वह अंड जनन करने के बाद में वो मर जाती है। इसका प्रजनन काल शीत ऋतु में होता है, उस समय ये खाना बंद कर देती है, और खाना बंद करने के बाद में लंबे समय तक और वो खाना नहीं खाती हैं, और अपने अंदर जो उपत्वचीय और पेशीय संचित वसा है उसी से अपना काम चलाती हैं, उसी से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। नर और मादा दोनों ही नदी की ओर एनाड्रोमस माइग्रेशन करते हैं। स्वच्छ जल में जाकर अपने नर अपने मुखिया कीप से तली में छोटे पत्थरों के टुकड़ों से नेस्ट बनाता है। मादा किसी पत्थर से चिपक करके अपना पिछला सिरा पानी में हिलाती है, इससे नर उसकी ओर आकर्षित होता है और अपने मुखिया कीप से मादा के सिर पर चिपक जाता है। जब वो अपने आप को एक दूसरे पर इस प्रकार से रगड़ते हैं तो अपने अंडाणु शुक्राणु नेस्ट के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं, और ये क्रिया अल्प समय के लिए होती है लेकिन बार बार रिपीटेडली होती है। मैथुन के बाद में मादा अपनी पूंछ से नेस्ट की मिट्टी को हटाती है और अपने अंडाणु को निक्षेपित कर देती है, उस नेस्ट के अंदर अंडाणु उसमें त्याग देती है। इससे मिट्टी जो है वो अंडों के ऊपर जम जाती है, और एक बड़ी लैम्प्री जो है वो फुल साइज लैम्प्री लगभग 23,600 अंडे एक बार में देती है। अंडाणु निक्षेपण के बाद दोनों प्राणी घोंसला छोड़कर के दूर चले जाते हैं, और कुछ दिनों बाद में वो भूख से मर जाते हैं, क्योंकि उनकी आंत चिपक जाती है और उनको परभक्षी पक्षी जो है वो खा जाते हैं। इस प्रकार से उनके जीवन का दुखद अंत हो जाता है। उसके बाद में ये तो था मैं पेट्रोमाइजोन के बारे में। अब आगे चलते हैं मिक्साइन। मिक्साइन जिसे हैग फिश कहते हैं, चुड़ैल मछली कहते हैं, और उस मिक्साइन के बारे में पढ़ते हैं। इसका सबसे पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन यानी वर्गीकरण क्या कहता है। वर्गीकरण ये कहता है कि इसका फाइलम गॉर्डेटा है, क्योंकि इसमें नोटोकोड पाई जाती है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, क्योंकि इसकी नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई हो चुकी होती है। डिविजन इसका अग्नेता है, क्योंकि इसमें जॉज नहीं पाए जाते। क्लास इसका साइक्लोस्टोमेटा है, क्योंकि इसका मुंह गोलाकार होता है इनका भी। और ऑर्डर मिक्सिनिफॉर्मिस है, क्योंकि ये मिक्साइन के जैसे दिखते हैं, लंबे सिलेंड्रिकल ईल के समान इनकी बॉडी होती है। इनका जीनस मिक्साइन है, और कॉमनली इनको हैग फिश के नाम से जाना जाता है। ये एक हैग फिश है जो इस तरह से कुंडलित हो जाती है कि जैसे कि इसके शरीर में हड्डियां है ही नहीं, और वास्तव में इसके शरीर में हड्डियां होती ही नहीं है, कशेरुकाएं एब्सेंट होती हैं। केवल इनके कॉन्ड्रोक्रेनियम पाया जाता है, यानी ब्रेन के ऊपर जो ब्रेन बॉक्स है वही पाया जाता है, उसके बाद में कशेरुकाएं एब्सेंट होती हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी इसका अगर डायग्राम देखें तो पेट्रोमाइजोन और मिक्साइन का दोनों का कंपैरेटिव डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। इसमें मिक्साइन और इसमें गौर से अगर देखें तो जो मिक्साइन है उसका मुंह बिल्कुल टर्मिनल एंड पर होता है, जबकि पेट्रोमाइजोन का वेंट्रल साइड में होता है। इसमें सेंसरी टेंटेकल्स भी पाए जाते हैं हैग फिश में, और उसमें पेट्रोमाइजोन में नहीं पाए जाते। इनमें एक वेंट्रल कंटिन्यूस फिन फोल्ड पाया जाता है जो कॉडल फिन को कवर करते हुए पीछे की तरफ जाता है, और इनमें एक सिंगल एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। 6 जोड़ी गिल्स होते हैं हैग फिश में, जबकि पेट्रोमाइजोन में 7 जोड़ी गिल्स होते हैं।
इनकी स्लाइम ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो किनारों पर पाई जाती हैं, जो लेटरल साइड में खांचों में पाई जाती हैं स्लाइम ग्लैंड्स, जिसमें से स्लाइम निकलता है और स्टेल की सहायता से ये मूवमेंट करती हैं। तो ये हैगफिश हैं। इस हैगफिश का एक दूसरा डायग्राम इस प्रकार से है, इसमें टेंटेकल्स स्पष्ट दिखाए गए हैं और ये छिद्र भी स्पष्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं। और ये पेट्रोमाइजोन है, जिसमें ये 7 जोड़ी गिल्स पेट्रोमाइजोन के, और ये जो है ये इसके गिल स्लिट्स 12 पेयर्स, ये दूसरी फिश है जिसमें इतने सारे ये गिल्स पाए जाते हैं। हैगफिश जो होती है वो यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, जापान के समुद्री तटों पर पाई जाती है। ये तली में समूह बनाकर रहती है, ये बिल भी बनाती है। यहाँ पर ये पॉलीकीट कृमियों से अपना भोजन करती है। हैगफिश मछली समुद्र में पाई जाने वाली ईल के समान लंबी बेलनाकार शरीर वाली होती है। इसके मुख के दोनों ओर 4 जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं। ये भोजन की तलाश में सहयोग करते हैं इसका। एक बार इसको अपना भोजन मिल जाए तो उसके मांस में अपने मुंह से घुस जाती है और घुसने के बाद में रक्त और मांस का आहार करती है, अपना पेट भरती है उससे। दुनिया भर में लगभग 76 प्रजातियां हैगफिश पाई जाती हैं, जो संसार भर के समुद्रों में लगभग 5,500 गहराई फीट या 1700 मीटर गहरी फीट की गहराई तक पाई जाती हैं। ये कई महीनों तक बिना भोजन के रह सकती हैं। इनकी लंबाई 50 से 60 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इनका शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है, सिर, धड़ और पूंछ। झुर्रीदार ओटों के सहित में इसमें चुस्कीय मुख जो होता है वो चुड़ैल मछली की औरत की तरह होता है, यानी कि ऐसे लटके हुए झुर्रीदार होट जो खतरनाक लगते हैं, इसीलिए इसको हैगफिश या चुड़ैल मछली कहा जाता है। इसके मुंह के चारों ओर सेंसरी टेंटिकल भी पाए जाते हैं। केराटिन के बने हुए 2 पंक्तियों में लगे हुए दांत होते हैं इसके ऊपर। श्वसन के लिए पार्श्व में 6 जोड़ी गिल्स होते हैं। अंतःकरण में केवल 1 वृत्ताकार नलिका पाई जाती है इसमें, जबकि पेट्रोमाइजोन में 2 वृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। इनके पार्श्व में म्यूकस ग्रंथियों की पंक्तियां पाई जाती हैं, जिससे कि इसका शरीर चिपचिपा और लसलसा बना रहता है, जिससे म्यूकस स्रावित होता रहता है। गमन के लिए इनमें इनमें अत्यंत छोटा और मध्य अदर फिन और एक पुष्य फिन पाया जाता है, यानी कंटिन्यूस डॉर्सल फिन फोल्ड पाया जाता है, जो इसकी कॉडल फिन से अटैच रहता है। इनके शरीर में कशेरुकाएं नहीं होती, केवल कार्टिलेज का बना कपाल पाया जाता है। हैगफिश लैम्प्री की तरह अंडजनन के लिए एनैंड्रोमस माइग्रेशन नहीं करती, केवल समुद्र में ही रहती है और समुद्र में ही अपने अंडजनन करती है। ये अपने अंडे समुद्र में ही देती है। कायंत्रण इनमें प्रत्यक्ष ही होता है, यानी इनमें कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। पेट्रोमाइजोन की तरह इनमें कोई लार्वा अवस्था नहीं होती और इनमें अंडों में हैचिंग के बाद में सीधे शिशु हैग जैसी मछली के निकलते हैं। अगर लैम्प्रे और हैगफिश में कंपैरिजन देखें तो इस प्रकार से है कि ये लैम्प्रे जो है वो दोनों में पाई जाती है, यानी समुद्र और जल, क्योंकि इसमें कैटाड्रोमस माइग्रेशन पाया जाता है, जबकि हैगफिश में इस प्रकार का कोई माइग्रेशन नहीं होता, केवल समुद्र में ही जन्मती है और समुद्र में ही वो अपना जीवन व्यतीत करती है और समुद्र में मर जाती है। लैम्प्रे में कशेरुकाएं पाई जाती है जबकि हैगफिश में नहीं पाई जाती। पीनियल आंख लैम्प्रे में पाई जाती है जबकि हैगफिश में नहीं पाई जाती। मुख अदर तल पर पाया जाता है लैम्प्रे में, जबकि हैगफिश के अंदर टर्मिनल होता है। लैम्प्रे में 7 जोड़ी गिल्स होते हैं जबकि हैगफिश में 6 जोड़ी गिल्स होते हैं। कपाल तंत्रिकाएं लैम्प्रे में 10 जोड़ी होती हैं जबकि हैगफिश में 8 जोड़ी होती हैं। करण में अंतःकरण जो होता है उसमें अर्धवृत्ताकार नलिकाएं 2 होती हैं लैम्प्रे में, जबकि हैगफिश में केवल 1 होती है। मूत्र जनन साइनस उपस्थित होता है लैम्प्रे में और हैगफिश में नहीं पाया जाता। नर और मादा अलग अलग होते हैं लैम्प्रे में, जबकि हैगफिश ओवेलिंगी होती है। नर और मादा एक ही प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। अंडाणु तुलनात्मक रूप से छोटे और कवच विहीन होते हैं लैम्प्रे के, और हैगफिश के तुलनात्मक रूप से थोड़े से बड़े होते हैं और कवच युक्त होते हैं। विदलन इनमें होलोब्लास्टिक प्रकार का, यानी पूर्ण वंजी प्रकार का पाया जाता है, जबकि हैगफिश के अंदर जो विदलन है वो अंश वंजी या मीरोब्लास्टिक प्रकार का होता है। लैम्प्रे में कायांतरण होता है लार्वा के द्वारा होता है, जिसमें एमोसिट लार्वा होता है, जबकि हैगफिश के अंदर किसी प्रकार का कोई लार्वा नहीं पाया जाता। अब एमोसिट लार्वा की बात करें जो पेट्रोमाइजोन का होता है, तो लैम्प्रे में निषेचन के 3 सप्ताह के बाद भ्रूणीय विकास के बाद में एक लंबी लार्वा अवस्था आती है जिसे एमोसिट लार्वा कहते हैं। ये सूक्ष्म और पारदर्शी लार्वा होते हैं। इस अवस्था में ये 3 से 7 साल तक की अवस्था में रह सकते हैं। लार्वा अवस्था में ये अपने माता पिता से इतने भिन्न होते हैं कि शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इसे अलग जेनेरा समझ लिया था, अलग स्पीसीज समझ ली थी, और बाद में पता चला कि ये तो लैम्प्रे के लार्वा हैं। तो इतना डिफरेंस होता है इनमें अपने माता पिता से। 15 सेंटीमीटर बड़े ही अपने होकर के ये अपने नेस्ट को छोड़ देते हैं और शांत जल की तरफ कीचड़ में अपना खुद का अपना यू आकार का या वी आकार का अलग बिल बनाते हैं, यानी माता पिता का बनाया हुआ बिल छोड़ करके अपना बनाते हैं। और ये इनका डायग्राम है जिसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इसमें दिखाई गई है। इसमें 7 जोड़ी एक्सटर्नल गिल्स हैं
और ये कीप आकार माउथ है, इनकी आंखें अभी खुली नहीं है, रूडिमेंट्री आईज हैं, और ये कॉर्डल फर्स्ट कॉर्डल सेकंड कॉर्डल डॉर्सल और ये कॉर्डल ये सारी कंटिन्यूअस पिनफोल्ड इसमें बनाई बना रही हैं। ये ट्रंक रीजन है इसका लंबा सिलिंड्रिकल, ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें गिल सिलेट्स दिखाए गए हैं। फेरिंग्स परफोरेटेड होती है, विलम पाया जाता है, और इसके अंदर सबसे ऊपर ये इसका ब्रेन है, ब्रेन कंटिन्यूअस विद नर्व कॉर्ड जो पूरी लंबाई में फैली रहती है, उसके ठीक नीचे नोटोकॉर्ड पाई जाती है जो पूरे शरीर को सपोर्ट प्रदान करती है, और इसकी फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में ये ओसोफेगस और फिर स्टमक, स्टमक इंटेस्टाइन और एनस के द्वारा उबार खुलती है। इस प्रकार से ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हेमोसीट लार्वा की। ये दूसरी स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रांसपेरेंट है होता है, ये इसकी स्किन से आर पार इसकी इंटेस्टाइन को देखा जा सकता है। लार्वा अवस्था लगभग लंबे समय तक चलती है और इस दौरान इसकी जो त्वचा है वो धुंधली और भूरी और चकतेदार हो जाती है। इनकी लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर हो जाती है। हेमोसीट लार्वा एक महत्वपूर्ण लार्वा होता है क्योंकि ये कशेरुकियों का सबसे आदिम संरचना प्रस्तुत करता है। इसी लार्वा से पता चलता है कि कशेरुकियों का विकास किस प्रकार से हुआ होगा। इसमें सतत पृष्ठीय फिन फोल्ड पाया जाता है, कंटिन्यूस फिन फोल्ड होता है। ये अंधा होता है यानी कि इसकी आंखें खुली नहीं होती तब तक। दंत विहीन होता है, दांत भी डेवलप नहीं हुए होते हैं। अपरजीवी होता है, परजीवी नहीं होता है, ये फिल्टर फीडिंग से अपना भोजन करता है। इसमें पोषण और श्वसन के लिए एम्फियोक्सस की तरह इसमें होता है, यानी एम्फियोक्सस और हेमोसीट लार्वा दोनों काफी मिलते जुलते हैं, सिमिलरिटी काफी ज्यादा पाई जाती है, एफिनिटीज। तली में ऊज का भोजन करने के लिए रात को निकलता है क्योंकि दिन में इसके परभक्षियों का खतरा रहता है। रात को निकलता है और इसकी ग्रसनी के पीछे ग्रसनाल एवं आंत होती है और उसमें उसमें भोजन का पाचन होता है। इसकी फेरिंजियल वाल को सहारा देने वाली एक ब्रेंगियल बास्केट होती है जो बार बार फैलती सिकुड़ती है, और ग्रसनी के मुख पर एक विलंब पाई जाती है जो अंदर आने वाली जलधारा को नियंत्रित करती है। ग्रसनी के पार्श्व में 7 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं जो त्वचा में बने हुए बाह्य गिल छिद्रों के द्वारा बाहर खुलते हैं। इसमें यकृत, पित्तवाहिनी, पित्ताशय, प्रोटोनेफ्रिडिया ये सारे पाए जाते हैं। पेरिकार्डियम में द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, एक ओरिगल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। पेरिकार्डियल गुहा में सिलोमिक गुहा से जुड़ी रहती है। युग्मित आंख जो है वो धसी हुई रहती है, त्वचा से ढकी हुई रहती है। अयुग्मित पीनियल आईज पाई जाती है जो सुविकसित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सैक और निजल सैक जो है वो अल्प विकसित होते हैं। इसका कायांतरण अगर देखें कि मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार से होता है, हेमोसीट लार्वा किस प्रकार से वयस्क में बदलता है, तो उसके ये निम्नलिखित चरण हैं। इसमें 3-4 साल के बाद में ये जीने के बाद में कायांतरण होता है इसमें, और कायांतरण के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। इसका ओरल हुड वो बक्कल फनल में चेंज हो जाता है। एंडोस्टाइल के नीचे थायरॉयड ग्लैंड डेवलप हो जाती है। आंखों का विकास कंप्लीट हो जाता है और उसे दिखाई देने लग जाता है। ऊपर की त्वचा हट जाती है और ये सक्रिय हो जाती है। गिल अपने गिल पाउचेस में धंसने लग जाते हैं। डोर्सल कंटिन्यूस फिन फोल्ड बीच बीच में टूट करके और फर्स्ट डोर्सल, सेकंड डोर्सल और कॉडल फिन के अंदर डिसकंटिन्यूस हो जाता है। रंग बदल करके ये मॉटल्ड ग्रीन या ब्राउन हो जाते हैं। जो विलम है वो डिजेनरेट होकर के फेरिंग्स के द्वार तक ही सीमित हो जाते हैं। इनकी जो ग्रसनी है वो ग्रसिका से पृथक होकर के एक अंधकोश बनाती है, ब्लाइंड सैक बनाती है। गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट लुप्त हो जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया मेसोनेफ्रिक किडनी में परिवर्तित हो जाते हैं। सिंगल नोस्ट्रल मध्य शिखर पर खिसक जाता है। नेजोफेरिंजियल सैक पीछे की तरफ बढ़ जाता है। नेजल सैक अंदर की तरफ वलित होकर के अंतःकरण बना लेता है, इंटरनल ईयर। पेरिकार्डियम कैविटी सिलोम से पूर्णतया पृथक हो जाती है और उसमें हृदय उदाहरण किए रहती है। स्पाइनल कॉर्ड और डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन हो जाती है। कायंत्रण के बाद अब ये पूर्ण लैम्प्रे बन जाता है और तैर करके पुनः समुद्र में आ जाता है और वहां अपना रक्ताहारी परजीवी परवक्षी जीवन व्यतीत करता है जो बड़ी मछलियों के ऊपर ये अपने रक्त और उनका फ्लश चूसता है। तो इस प्रकार से ये इसका जीवन शुरू होता है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। नहीं, थैंक यू।